हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मठरी, जो कि हम बना के 8-10 दिन तक आराम से खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, या घर में कोई भी आपके मेहमान आए तो आप मठरी निकाल के उनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मठरी। मठरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है 1 कप मैदा ली है, 2 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन ली है मैंने, और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है, 1 छोटा चम्मच ही मैंने लिया है नमक, और रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है मठरियों को तलने के लिए। तो सबसे पहले हमें आटा लगाना है, तो मैं ये मैदा इसमें डाल देती हूँ बर्तन में। अब मैं डाल देती हूँ इसमें नमक, कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को हम हाथ में ले लेंगे, फिर इसको डाल देंगे, थोड़ा क्रश करके हमने डाल दिया। ऐसे ही अजवाइन को भी हाथ से क्रश कर लेंगे और फिर डालेंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है। और अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को, और ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल भी। सारी चीज़ें अच्छे से मिला दी हाथ से, और अब मैं पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। इसमें हमें पानी डालना है क्योंकि इसकी जो डो है हमें बिल्कुल टाइट मारनी है, जैसे कि हम पूड़ी का आटा गूंदते हैं उससे भी टाइट हमें इसका आटा गूंदना है मठरी का। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और मैदा को गूंदते जाएंगे। मैदा को मैंने बिल्कुल एकदम टाइट गूंद लिया है, और इतना आटा हमें गूंदने में 1/4 कप पानी यूज़ किया है। अब इसको मैं ढक देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं और मैं मैदा को खोल के देख लेती हूँ। देखिए मैदा हमारी अच्छे से सेट हो गई है, और अब मैं इसको अच्छे से हाथ से मल लेती हूँ एक बार और। तो एक पूरी लोई की मैंने ये 2 लोई कर ली हैं, 2 पार्ट कर लिए हैं इसके, और इसके हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के रखते जाएंगे। तो देखिए सारी लोइयाँ मैंने ऐसे तोड़ दी थी, तो हल्का सा एक लोई लेके इसको हल्का सा हाथ से गोल करेंगे और ऐसे प्रेस कर देंगे, ऐसे दबा देंगे। तो देखिए सारी मठरी हमारी बन गई हैं, और अब हम इनको तल लेंगे। तो तेल हमारा गरम हो गया है, गैस को मैंने मीडियम कर दिया, एक एक करके डालते जाएंगे हम। सारी मठरियों को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, जितनी आए आप उतनी डाल दीजिए। तो मेरी, मैंने 1 कप मैदा यूज़ की थी, तो मेरी इतनी ही मठरी बनी है, 12 मठरियाँ, और इनको हम कम से कम 6 से 7 मिनट तक मीडियम गैस पे कंटिन्यू ऐसे ही तल लेंगे पलट पलट के। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और मैं इन मठरियों को पलटती जा रही हूँ, और इनको हमें गुलाबी करना है और अच्छे से इनको सेकना है। अब मैंने गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है। तो देखिए 8 मिनट हो गए, अच्छे से हमारी मठरियाँ सिक गई हैं, कलर भी इनका बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो देखिए मठरियाँ हमारी बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो आप भी मठरी को घर पे बनाइए, सबको खिलाइए, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।